कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूँ। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा ये सारा कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगा। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड पावर श्री कृष्णा पाल गुज्जर अटेंडेड द 15 ईस्ट एशियन सबमिट एनर्जी जो रिसेंटली हुआ था। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड स्टेट श्री कृष्णा पाल गुज्जर ने अटेंड किया था। तो दोस्तों थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो थीम जो था वी केयर एंड वी प्रोस्पर जो था 15th एशियन ईस्ट एशियन समिट का जो थीम था वी केयर एंड प्रोस्पर। दोस्तों ये जो एस्टेब्लिश हुआ था ये 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी बहुत ही एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और ख़ासकर आपको थीम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों तो ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसका जो मेंबर्स है 10 मेंबर्स है, ठीक है दोस्तों। पहला हो गया ब्रुनाई, दूसरा हो गया फिलीपींस, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो ये इसमें 10 मेंबर्स हो गए दोस्तों। और जो दोस्तों इंडिया एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है फिर भी हमने 2003 में 8 अक्टूबर को साइन किया था कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान के साथ करेंगे। तो कहाँ साइन हुआ था दोस्तों? बाली। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये खासकर आपका 8 अक्टूबर को बाली में साइन हुआ था इंडोनेशिया में, ठीक है दोस्तों। तो मूव करते हैं अगले पे। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड होने वाला है आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, 13 ब्रिक्स समिट जो रिसेंटली हेल्ड हुआ था सितंबर 9 में 2021 को, तो किसके चेयरमैनशिप में हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था आपका इंडिया के चेयरमैनशिप में, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो ब्रिक एक्चुअली पहला था ये ब्रिक, और 2006 में फाउंड किया गया था ब्रिक। उस समय था ब्रिक में ब्राज़ील था, ठीक है दोस्तों, फिर रसिया था और एक था इंडिया और बाद में चाइना। लेकिन क्या होता है कि 2010 में ब्रिक ब्रिक्स हो जाता है, 10 एक और कंट्री ऐड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ब्राज़ील तो था ही, रसिया भी था ही, इंडिया भी था ही, चाइना भी था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा नया मेंबर हो जाता है साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों जो ब्रिक्स का मेंबर्स है मैंने अभी बताया आपको, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है दोस्तों, ठीक है। तो ये 5 कंट्री है दोस्तों ब्रिक्स का मेंबर्स, ठीक है दोस्तों। तो 5 कंट्रीज है ब्रिक्स का मेंबर्स। तो आपको ये मेंबर्स एकदम याद होना चाहिए, एग्जाम में आए तो पूछा जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल 131 जो है ये क्या देता है? पावर देता है, किसको देता है? पावर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों। किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। किस लिए देता है? टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, और स्टेट। अगर स्टेट और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में कोई मानिए गड़बड़ी होती है तो कोई चीज़ को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसी तरह अगर स्टेट बिटवीन स्टेट और बिटवीन द स्टेट्स यानी कि स्टेट्स और स्टेट्स के भी बीच में अगर कोई मतलब विवाद होती है, जैसे कि कोई भी विवाद होती है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, प्रेसिडेंट है जो ऑर्डिनेंस पावर, जब क्या होता है कि असेंबली जब सेशन में नहीं होता है तो उस समय प्रेसिडेंट के पास कोई मतलब कानून को पास करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पावर होता है जिसको डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। तो कौन सा आर्टिकल के थ्रू ऑर्डिनेंस पावर होता है प्रेसिडेंट के पास? तो दोस्तों आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है दोस्तों, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इस आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस देने का पावर होता है। लेकिन वाइल अगर आप देखोगे दोस्तों, वाइल गवर्नर गवर्नर के भी पास होता है दोस्तों, गवर्नर के भी पास होता है ऑर्डिनेंस देने का पावर। तो किस आर्टिकल के थ्रू होता है दोस्तों? तो 2, 1,
थ्री, ठीक है दोस्तों, 213 के तहत ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर का होता है। अगर किसी तरह से लोकसभा स्टेट असेंबली में, सॉरी नॉट लोकसभा माने स्टेट असेंबली अगर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो फंक्शन कराने के लिए कुछ बिल, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट नियम कानून पास करने के लिए गवर्नर क्या करता है, अपना ऑर्डिनेंस का पावर यूज़ करता है अंडर आर्टिकल 203। तो दोस्तों इसमें ना आर्टिकल 203 इम्पोर्टेंट है, यहाँ आर्टिकल 123 इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। तो दोस्तों जो प्रेजेंट हमारा जो लॉ कमीशन का चेयरमैन है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CDS में या लॉ एंट्रेंस या UPSC में पूछा जाता है। तो कौन हमारा चेयरमैन है, जस्टिस BS चौहान, ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो BSC, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट क्या है, ये लॉ चेयरमैन है, ठीक है दोस्तों, लॉ का चेयरमैन है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक कर दे, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।